Turn on the smart air fryer. Okay, turning on the smart air fryer. Pause the smart air fryer. Okay, pausing the smart air fryer. Turn off the smart air fryer. All right, turning the smart air fryer off. Turn on the smart fan too. Got it, turning on the smart fan too. नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नीरज टेक शो में। Xiaomi ने हाल ही में कुछ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें स्पीकर, फैन, मॉप, सीसीटीवी कैमरा, एयर फ्रायर और भी कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्मार्ट एयर फ्रायर का अनबॉक्स रिव्यू करते हैं। बॉक्स पर एयर फ्रायर की सभी विशेषताओं को दर्शाया गया है, जैसे 3.5 लीटर का लार्ज कैपेसिटी वाला बास्केट, 40 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोल, एमआई होम मोबाइल ऐप द्वारा कंट्रोल, ओएलईडी डिस्प्ले, 50 प्लस क्लाउड रेसिपी और वर्क विद गूगल होम, ऐसा बॉक्स पर दर्शाया गया। अनबॉक्सिंग के उपरांत इसमें 1 ईयर का वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, ग्रिल और एयर फ्रायर मिल जाता है। अब बात आती है कि किचन में जब ट्रेडिशनल कुकिंग के साधन उपलब्ध हैं तो इस एयर फ्रायर पे पैसे क्यों खर्च किए जाएं? तो इस विषय पे हेल्थ स्पेशलिस्ट या डॉक्टर, खास करके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो यही सलाह देते हैं कि जो पहले पुराने के जो तरीके हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो सेहत को ध्यान में रखते हुए अब लोगों को वाइली फूड से ट्रेडिशनल कुकिंग वाले तरीकों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि सेहत इसी में है। और ये जो एयर फ्रायर है वो किचन का एक विशेष अप्लायंस के रूप में, जो आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक के रूप में इसको किचन में शामिल करना चाहिए, ताकि कम से कम ऑयल में ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड बना सके। इसके बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो ये प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील और कोटेड एल्युमिनियम का प्रयोग कर बनाया गया है, जिसका डायमेंशन 37x29.5x34 cm है, जिसका वजन 4 kg है। इसके पीछे और इसके निचले हिस्से के किनारे में एयर वेंट दिया गया है, जहाँ से गर्म और एयर पास होता है। अतः इसके आसपास लगभग 1 फीट की दूरी पे कोई अन्य प्रोडक्ट या दीवाल ना हो तो यह बेहतर और सेफली वर्क करेगा। 3.5 लीटर वाला ये बास्केट स्क्वायर शेप में आता है, जो एक सर्कल डिजाइन वाले बास्केट से ज़्यादा बेटर होता है। इसमें आसानी से एक होल चिकन को रोस्ट किया जा सकता है। इसमें एक फ्रायर प्लेट और एक स्टेनलेस स्टील का ग्रिल भी आ जाता है, जो कि आसानी से यूज करने के बाद पानी से धोया जा सकता है। इस पर कोटिंग किया गया है और ये लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। पावर कॉर्ड को कनेक्ट करके फ्रायर के पावर बटन द्वारा इसको ऑन कर लेंगे और मी होम ऐप से इस फ्रायर को ऐड कर लेंगे, जैसा कि मी के अदर डिवाइस को हम ऐड करते हैं। आप इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए PIP का हेल्प ले सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो कनेक्ट करने में, तो आप इसको कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मी होम ऐप को गूगल होम ऐप के साथ लिंक करके गूगल वॉइस कमांड द्वारा हम इसको वर्क करा सकते हैं। किसी भी कारण से यदि इन दोनों ऐप को हम यूज नहीं कर पा रहे हों या यूज करना ही नहीं चाह रहे हों, तो भी ये फ्रायर प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐप सिर्फ इसके स्मार्ट और इजी बनाने के लिए दिया गया है। पावर बटन के नीचे वाले कंट्रोल नोब को क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर हम इसके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके नोब में मौजूद OLED डिस्प्ले कोई टच डिस्प्ले नहीं है। ये सिर्फ एक बटन के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसको प्रेस करके कन्फर्म सिलेक्शन का हम कमांड देते हैं, और इसको मोर देन 5 सेकंड प्रेस एंड होल्ड करके हम प्रीवियस मेनू में रिटर्न आ जाते हैं। जैसा कि आप कंट्रोल नोब के डिस्प्ले में देख रहे हैं, इसमें कुछ प्रीसेट प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे फिश, चिकन, फ्रेंच फ्राई, ड्राई फ्रूट, केक वगैरह वगैरह। इनको यूज कर सकते हैं इन प्रोग्राम को, या मैनुअली भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर और टाइम सेट करने होते हैं, और कुक होने वाले प्रोडक्ट के क्वांटिटी को उसके लेयर के हिसाब से इसमें सेट करने होते हैं और रन कराने होते हैं। मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हम इसको कुकिंग कर सकते हैं, जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक के लो टेम्परेचर में हम मैक्सिमम 24 आवर तक का टाइम सेट करके हम इसको लो टेम्परेचर पर कुकिंग कर सकते हैं। इसके शेड्यूल कुकिंग फंक्शन में कुकिंग प्रोग्राम टेम्परेचर और टाइम को एक निर्धारित समय में कम्प्लीट करने का निर्देश दे सकते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट होने पर इसकी नोटिफिकेशन नोब के डिस्प्ले के साथ साथ मोबाइल ऐप पे भी मिल जाता है, तथा जब कुकिंग टाइम 8 मिनट से ज़्यादा का होता है तो फ्रायर के बास्केट को सेक करने का नोटिफिकेशन मोबाइल ऐप पे तथा डिस्प्ले नोब के डिस्प्ले पे भी मिल जाता है। इसका नोटिफिकेशन बीप साउंड के साथ आता है, जो अलर्ट होने के लिए काफ़ी है। इसमें प्रीसेट कुकिंग मेनू मौजूद है, फिर भी आप खुद का रेसिपी मोबाइल ऐप के द्वारा टाइम और टेम्परेचर के साथ ऐड कर सकते हैं। इसमें 50 प्लस क्लाउड रेसिपी मौजूद है, जिसको जरूरत पड़ने पर आप एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी इसको और आगे बढ़ाने वाली है। 3.5 लीटर का इसका बैकेट कैपेसिटी आप 4 से 5 लोगों के लिए सफिशियंट है। बहुत ही कम साउंड में ये वर्क करता है, और इसका नॉइस यानी शोर बहुत ही कम होता है। 360 डिग्री में गर्म हवा को प्रेशर के साथ सर्कुलेट करके एयर फ्रायर कुकिंग करता है, और यही कुकिंग डीप फ्राई में गर्म ऑयल के द्वारा होता है। अर्थात एयर फ्रायर बिना ऑयल के ही वह काम कर देता है, जो हम लोग के सेहत के लिए भी अच्छा है और पॉकेट के लिए भी,
क्योंकि डीप फ्राई की तुलना में लगभग 80-90% कम ऑयल की जरूरत होती है एयर फ्रायर में। साथ ही यह एलपीजी गैस की तुलना में इलेक्ट्रिक कंज्यूम्पशन को अगर कंपेयर करेंगे तो हमेशा एयर फ्रायर जो होगा पॉकेट फ्रेंडली होगा, यानी ऑयल और एलपीजी दोनों में कॉस्ट सेविंग करता है, जिसकी रेट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैंने प्रीसेट प्रोग्राम वाली रेसिपी और मैनुअली दोनों विधियों का प्रयोग करके जो फूड कुकिंग की उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा है, कमाल का है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो अंडर 10,000 मिलने वाला ये एयर फ्रायर आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि यह बेटर है, स्मार्ट है और मॉडर्न है और फुल्ली फंक्शन लोडेड है। इसे अमेजोन के थ्रू बाई करनी हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।